नमस्कार, खबर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सविता। पेश है रात 9 बजे तक की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले खबरें महानगर की। चुनाव के बाद की हिंसा की जांच कर रही सीबीआई की टीम रविवार को 3 जिलों में गई। सीबीआई की टीम दक्षिण 24 परगना के सुनारपुर, हावड़ा के बेलगछिया व कूचबिहार के तूफानगंज में गई। सीबीआई की टीम ने पीड़ितों से भी मुलाकात की और हिंसा के वारदात की पूरी जानकारी ली। इस दिन 7 नए मामले दर्ज किए गए हैं। सीबीआई ने अब तक कुल 28 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता सौमन मित्रा की पत्नी शिखा मित्रा आज तृणमूल में वापसी कर ली। पार्टी मुख्यालय तृणमूल भवन में आयोजित कार्यक्रम में सांसद माला राय व विधायक नैना बंदोपाध्याय ने उन्हें झंडा थमाया। शिखा ने कहा कि उन्होंने कभी भी टीएमसी का दामन नहीं छोड़ा था। अभी तो तृणमूल ज्वाइन कर टेबल टेनिस खिलाड़ी भावना पटेल ने टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर भारत का सम्मान बढ़ाया है। भावना को हर कोई बधाई दे रहा है। सीएम ममता बनर्जी ने भी उन्हें बधाई दी। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा, टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीतने पर भावना पटेल को हार्दिक बधाई। इस ऐतिहासिक जीत के लिए हमें आप पर बेहद गर्व है। आपके सभी भावी प्रयासों के लिए आपको शुभकामनाएं। आलिया यूनिवर्सिटी से AUAT का फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार किया गया। आरंभा के युवक के नाम पर वह परीक्षा दे रहा था। रुपए के एवज में परीक्षा देने पहुंचे उस युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना टेकियो सिटी थाना अंतर्गत आलिया विश्वविद्यालय की है। घटना के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता दीपक रतन मिश्रा। टेक्नो सिटी थाना अंतर्गत आलिया यूनिवर्सिटी के अंदर AUAT के परीक्षा के दौरान एक फर्जी परीक्षार्थी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभियुक्त का नाम शुभम घोषाल बताया गया है। वो बाकुरा का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार शनिवार को जब शुभम आलिया यूनिवर्सिटी के अंदर बीटेक लेटर एंट्री की परीक्षा दे रहा था, तभी वहां मौजूद परीक्षक को उसके गतिविधि पर संदेह हुआ। बातचीत के दौरान सख्ती से पूछताछ करने पर शुभम ने बताया कि वह आरामबाग के रहने वाले मोहम्मद महबूब के जगह परीक्षा देने आया था। इसके लिए उसे काफ़ी रुपये मिले थे। शुभम ने बताया कि उसे रुपये की ज़रूरत थी, इसलिए वो मोहम्मद महबूब की जगह परीक्षा देने पहुंचा था। इसके बाद ही टेक्नो सिटी थाने की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस शुभम से पूछताछ कर ये पता लगा रही है कि इससे पहले उसने और कितनी बार इस तरह से परीक्षा दिए हैं। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ मैं दीपक, खबर एक्सप्रेस कोलकाता। काजी नजरुल इस्लाम की पुण्यतिथि पर राज्य सरकार की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। नवान्नो में काजी नजरुल इस्लाम की तस्वीर पर मंत्री फिरहाद हकीम ने माल्यार्पण किया। कोलकाता मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में मरीज के पेट से 5.5 किलो का ट्यूमर निकाला गया। मरीज करीब 1 साल से सही ढंग से कुछ भी नहीं खा पा रहा था। वह समस्या को लेकर कोलकाता मेडिकल कॉलेज व अस्पताल पहुंचा, जहां उसका इलाज हुआ। एक नज़र जिले की खबरों की ओर। कूचबिहार जिले के मैथिलीगंज विधानसभा क्षेत्र के धरला नदी के पास अवैध रूप से घुसपैठी की कोशिश कर रहे 2 बांग्लादेशियों को BSF के जवान ने गोली मार दी। गत रात को BSF के 148 नंबर बटालियन के जवान ड्यूटी कर रहे थे, तभी उनकी नज़र इस अवैध रूप से आए बांग्लादेशियों पे पड़ी। उन्होंने भागने की कोशिश की पर जवानों ने गोली मार दी। सूत्रों के मुताबिक दोनों तस्करों के साथ जुड़े थे। आसनसोल नॉर्थ थाना अंतर्गत रेल पार्क के राम किशुन डंगाल में छत विछत सब मिलने से सनसनी फैल गई। लोगों ने देखा कि नाले के पास एक सब पड़ा है। पुलिस को तुरंत सूचना दी गई। सब सड़ा गला था, जिसके कारण मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। घटना को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आसनसोल के काली पहाड़ी इलाके में एक बस और तेल से भरे टैंकर की टक्कर हो गई, जिसमें बस में सवार कई यात्री घायल हो गए। इसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पाकिस्तान का नाम लिए बिना खूब सुनाया। राजनाथ सिंह ने कहा कि एक देश आतंकवाद का सहारा ले रहा है, भारत अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा, जरूरत पड़ी तो हम उनकी जमीन पर जाकर टेररिज्म को खत्म करेंगे। देख लेते हैं मनोरंजन जगत की खबरें। पति सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ स्टाइलिश अंदाज में घूमती दिखी अभिनेत्री विद्या बालन। मुंबई में दोनों एक साथ खूबसूरत अंदाज में आउटिंग करते स्पॉट किए गए। चेहरे को दोनों ने मास्क से कवर किया था। एक्टर कुणाल खेमू पत्नी सुहा अली खान के साथ बांद्रा के एक रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट किए गए। धार्मिक खबरों पे एक नज़र। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव राज्य भर में मनाया जाएगा। जन्माष्टमी को लेकर मंदिरों में भी तैयारियां अंतिम चरण पर है। कई मंदिरों में बाल गोपाल के लिए झूले लगाए जा रहे हैं, वहीं बाजारों में भी इसे लेकर काफी रौनक देखने को मिल रही है। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं रात 11 बजे। नमस्कार।